आपने कभी किसी रेपिस्ट को या किसी चोर को बोलते हुए सुना है कि हमने चोरी की है या हमने रेप की है या मोलेस की है? वो सुना है कभी रात को मैं चिल्ला चिल्ला के उठती? वो लोग तो इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि हीज़ अ वाल्चर। आगे भी हमारे पास बहुत तरीके हैं सच बुलवाने का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पायल घोष, जो लगातार अपना पक्ष रख रही हैं। चाहे बॉलीवुड की कोई भी बड़ी हस्ती हो, वो खुलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पायल की वजह से जो उन्होंने जो केस किया है उसमें काफ़ी कुछ अपडेट आया है, तो इसलिए पायल से ही हम जानेंगे। पायल, आपने जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बहुत बड़ा आरोप लगाया, उसके बाद आपकी कंप्लेंट के बाद पुलिस ने उन्हें आखिरकार पूछताछ के लिए बुलाया, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है, जो नहीं हो रहा था इतने दिनों से, एटलीस्ट स्टार्ट हो गया है। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वो आगे आ जाएगा। अनुराग के लॉयर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि आपने जितने भी आरोप लगाए सब बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं, उस पर क्या? आपने कभी किसी रेपिस्ट को या किसी चोर को बोलते हुए सुना है कि हमने चोरी की है या हमने रेप की है या मोलेस्ट की है? वो सुना है कभी? तो ये एक्सपेक्टेड है ना, बोलने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, हो जाएगा। पायल, उनके स्टेटमेंट में एक और बड़ी बात है, ही सेड कि 2013 में ही वो श्रीलंका में थे और उन्होंने वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, उनके पास उसका सबूत है। वो आपसे मिले नहीं? वो मुझसे मिले हैं कि नहीं है सब प्रूव आ जाएगा। और हम भी ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ पे, और देखिए जो सच है वो तो सामने आएंगे, कि जीत कितना भी छुपा लो। कह रहे कि हम ऐसे नहीं आए, तो मतलब कुछ तो सबूत है आपके पास? ऑफ कोर्स। नहीं, कैसे बोल सकते बताओ फिर, ताकि अनुराग कश्यप अपने आप अपने हिसाब से सिक्योर हो जाए। इन्वेस्टिगेशन चल रही, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन पायल, वो कह रहे हैं कि 2013 में वो जिस दिन आपने कंप्लेन की कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो श्रीलंका में शूटिंग कर रहे हैं। वो मेरे पास भी प्रूफ है, और हमने जो भी बोले हैं पुलिस स्टेशन में वो सब क्लियर है, तो उसको इधर उधर घुमाने का कोई जगह नहीं है। हम बता सकते, चलिए लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन, नो एवरीथिंग विल कम। उनका कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं, बल्कि केस आप पे होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आपके पे होना चाहिए। वो तो हम देख लेंगे। अरे मेरे साथ सच है यार, मैं और क्या बोलूँ बताओ। तो पायल, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है, और आगे भी हमारे पास बहुत तरीके हैं सच बुलवाने का। आपको परफेक्ट तभी डेट याद नहीं आ रहा था, बिकॉज बहुत पहले की बात थी। तो अब अनुराग कश्यप ने 2013 बताया है, वो दिन बताए, तो आपको याद है दिन तारीख कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, वो तो हमने पुलिस को ही बताया है, वो सब अभी शेयर नहीं कर सकते। नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते, दिस इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन ना, वी कैन नॉट डिस्क्लोज, ये सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। विल लेट यू नो, अभी देखो ना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, धीरे धीरे सब बताएंगे। आपका रिसेंट ट्वीट है पायल की, अनुराग जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इनकी पॉलीग्राफी और जो बाकी टेस्ट होनी चाहिए उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो हम करना चाहते हैं नार्कोटिक टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, हम करना चाहते हैं, मैं भी करूँगी जरूरत पड़ेगा, दोनों के ऊपर होंगे। अच्छा, लेकिन आपको क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है? जरूरत पड़े तो करवाएंगे। माई लॉयर विल बी पुटिंग दैट ऑल्सो, लाइक ही इज फाइलिंग दिस कंप्लेंट टुडे इटसेल्फ। पायल, इसके अलावा अगर बात करें तो और भी केसेस, जैसे हाथरस रेप कांड की बात करें, तो उस पर क्या कुछ रिएक्शन आपका? बहुत बुरा लगा, और जो हो रहा है, चाहे वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, या बॉम्बे में, मुंबई में हो, ये नहीं होना चाहिए ना। हम लोग हमारे बेटियों के साथ, इवन आपको मैं ये भी बता दूं कि जो मेडिकल टेस्ट के लिए मैं गई, तो कितने सारे रेप केसेस फैमिली के अंदर होता है, जो अब मतलब आप कुछ कुछ मीडिया वालों को पता होता है, लेकिन इतने कितने सारे केसेस होता है, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। इट्स नॉट हैपनिंग, यू नो, लाइक सब तो बोल नहीं पाते हैं। कितने, आई मेट अ गर्ल, शी सेड लाइक उसे थ्रेटन किया गया कि बोलना मत, उसकी शादी हो गई, अभी भी वो थ्रेट करते थे, फाइनली शी केम आउट। तो ऐसे साल साल, मतलब लोग तभी बोल नहीं पाते, बहुत दिन बाद जब और कंट्रोल उसको और झेल नहीं पाते, तब वो सामने आके ये सब बोलते, यू नो, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो है ना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या किसी के फैमिली में हो, चाहे कोई और इंडस्ट्री में हो, लड़कियों के ऊपर फोर्सफुली सेक्शुअली असॉल्ट करना या मोलेस्ट करना,
किसी भी तरह बंद होना चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि कोई हिम्मत भी ना करे और कोई सपनों में भी ना सोचे कि वो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोर्ट ट्रायल ये वो नहीं होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर करो और उधर ख़त्म करो, जैसे प्रियंका रेड्डी के टाइम में हैदराबाद पुलिस ने किया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दैट हैपेंड। जब होने दोनों इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, मैं हर रेपिस्ट के लिए यही चाहती हूँ। अच्छा। प्रियंका, आपने मेडिकल का जिक्र किया, तो आपके साथ मेडिकल टेस्ट के दौरान किस तरह की अपडेट? देखिए, मैंने सुना था लोग बोल रहे हैं कि वो 2 घंटे का टेस्ट होता है, मुझे 4 दिन बुलाया गया। आपको 4 दिन बुलाया गया? यस। और 4 दिन के बाद भी कल जैसे कि एक ही कुछ मतलब नॉर्मल डिस्कशंस था, उसके बाद भी रिपोर्ट देने में कम से कम 3 घंटा लगा दिया। सो दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट विच आई एम फेसिंग, तो दिस इज समथिंग वियर्ड, यू नो, विच इज़ नॉट लुकिंग नॉर्मल टू मी एंड इट्स ऑल्सो नॉट लुकिंग नॉर्मल टू यू अस, राइट? टू सम एक्सटेंट तो यस। अच्छा पायल, आपने ऋचा चड्ढा के खिलाफ भी कंप्लेन फाइल करवाई है, उन्होंने NCW में आपके खिलाफ कंप्लेन दी थी, उस पर क्या कहेंगी? कोई अपडेट, कोई इन्वेस्टिगेशन अपडेट? देखिए, वो मेरा दैट्स लीगल थिंग, सो माय लॉयर इज़ लुकिंग आफ्टर इट। बट अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे किसी को डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे सिर्फ जो हुआ है मेरे साथ, मुझे सिर्फ वो बोलना था कि ये हुआ है, ऐसे ऐसे बातें हुई, सो दैट यू नो एवरीथिंग, सब कुछ सही हो, बिल्कुल सिर्फ इसी के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सच्ची में उन्होंने किया होगा, मैंने ये बोला कि शायद वो मुझे कन्विंस करने के लिए दूसरे लड़कियों का नाम लिया, शायद वो सच ना हो, गलत हो, क्या है नहीं है, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। बट उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने सिर्फ उतना ही बताया। ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के कई लोग होंगे, उसमें ऋचा चड्ढा भी शामिल है, जो अनुराग कश्यप की साइड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरह का ब्लेम पायल घोष कर रही हैं। एक भी वो लोग खुद अपने आप से पूछ ले, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी सुना है वो लोग तो इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि ही इज़ अ वाल्चर। बट लेकिन अगेन वो पर्सनल कमेंट हो जाएगा। मैं तो जो बोल रही हूँ जो लोग उसको अभी सोशल मीडिया या लोगों के सामने अच्छा बोल रहे हैं, पीछे वही लोग उसको वल्चर बोलते हैं। अच्छा पायल, आपको शुरुआती तौर पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तो आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ना बॉलीवुड ना फैमिली, अभी किस तरह फैमिली का सपोर्ट है बॉलीवुड? माई फैमिली इज विथ मी एंड आई हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, दे आर रॉक सॉलिड विथ मी एंड वेन यू आर गेटिंग, तभी फैमिली का सपोर्ट मिला बोल के मैं इतना आगे जा पा रही हूँ। उन्होंने कहा बेटी रुकना मत, आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, और आपकी सिक्योरिटी को लेकर क्या थी कि आप सेफ नहीं फील कर रहे थे, आपको थ्रेट्स मिलने का चांसेस थे, तो उसको सिक्योरिटी? हाँ, तो सब वही बोल रहे हैं कि यू नो लाइक बिकॉज ही इज़ नॉट अरेस्टेड, उसके लॉबी इतने बड़े हैं, इतने उनके ये लोग माफिया टाइप्स के लोग हैं, कल कुछ ऐसा कर दिया तो यू नो लाइक आज मैंने मतलब शायद ही मैं अकेली निकलती हूँ, आई कम विथ लाइक सी और 2-3 लोगों के साथ आती हूँ, ताकि यू नो लाइक कुछ भी हो एट द मोमेंट प्रोटेक्शन मिले। बट कितना दिन चलेगा ऐसे, यू नो लाइक पीपल हैव वर्क ऑल्सो, तो मुझे आगे काम भी करना है, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती, तो यू नो फॉर दैट आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर राइट नाउ, सो वी हैव आस्क फॉर सिक्योरिटी। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके बाद भी आपको लग रहा है बॉलीवुड की तरफ से आपको काम मिलेगा? फिल्म कौन देखते हैं? ऑडियंस। कौन मेरे साथ है? हिंदुस्तान। डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद फिल्म बना के खुद के फिल्म देखते हैं? नहीं ना। जब हिंदुस्तान मेरे साथ है, वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वही मेरे फिल्म देखने वाले हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस ने अनुराग कश्यप को एक ही बार पूछताछ के लिए बुलाया, 8 घंटे पूछताछ हुई। अनुराग ने कहा कि पायल घोष जो बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं, मैं उनसे कभी पर्सनल नहीं मिला, प्रोफेशनल मिला, ये सारी चीज़ें। आप कह रहे हैं कि जो सच है वो बाहर आ जाएगा, और हमारे सामने जो है वो इस वक्त नई वाली पायल घोष है। पायल, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पायल घोष ने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की, पायल घोष का बचपन कैसा रहा, तो एक ओवरऑल अपडेट आपके बारे में बताएं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, मैं घर से मेरे फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। हमारे फैमिली में औरतें सलवार कमीज तक नहीं पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ये मतलब ऐसे ही है फैमिली। हमारे घर में सब लड़कियों का 18 साल तक शादी हो जाते हैं। मेरी दीदी जितने कज़न्स वगैरह जो भी है, उन्होंने ससुराल जाके अपना BA MA किए हैं।
MSc जो भी जिसने जो भी किए हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ फैमिली से मैं आती हूँ। आवर फैमिली इज़ अ वेरी रेपुटेड फैमिली इन कोलकाता। आवर रिलेटिव्स आर द पिलर्स ऑफ कोलकाता, दे आर बिग बिग्स इन कोलकाता। तो उस फैमिली से आती हूँ, लेकिन वेरी कंजर्वेटिव, वेरी उस टाइम के मैंटेलिटी के है। लेकिन मैं बहुत डिफरेंट थी, मुझे फैशनेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद था, मुझे ऐसे लाइफ, मतलब जैसे मेरे फैमिली, हम लोग, हमारे घर की लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर अलाउ भी नहीं है, दे हैव टू बी बैक एट होम बाई देन, वो मुझे नहीं था। मुझे मतलब एक बचपन से मैं शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन थी, करीना कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे फिल्म में आना है, मुझे ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे एक्टिंग करना है। एंड आई वॉज वेरी लव्ड पीपल, लाइक इन स्कूल आई वॉज द क्वीन, इन कॉलेज आई वॉज द क्वीन, एवरीबडी मीन्स आई यूज टू गेट लाइक 700-800 वैलेंटाइंस कार्ड एवरी ईयर। So this kind of things like used to happen. So I used to think that I deserve to be in film. So main film mein aayi hu. I was very small that time. I was doing my 12th that time. So jab main yahan pe aayi hu to uske baad I got film, my Telugu film mujhe mili hai aur baaki sare bhi South Indian films mile hain. Aur ye jo time hai, is time I was just starting with my Bollywood career. कि तो उसी टाइम ये हुआ, शुरुआत में एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मैंने पटेल की पंजाबी शादी की, लेकिन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मुझे ऐसे रात को फील होता था कि मतलब कुछ अजीब सा ही फील होता था, अभी भी होता है, अभी भी मुझे मेरे कज़न वगैरह बोलते हैं कि रात को मैं चिल्ला चिल्ला के उठती हूँ। सो एनी वेज वॉट एवर इट इज़ लाइक, वो जो एक्सपीरियंस हुआ था, ऑब्वियसली कोई सदमा नहीं हो, बिकॉज मेरे साथ तो और कभी ऐसा नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है, ऐसा हुआ है, तो यही हो सकता है रीज़न। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अंदर ही क्या होता है ना, इंसान को पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है ये। जैसे कि मेरे साइकेट्रिस्ट बहुत सारे क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, या आई एम स्टिल अंडर मेडिकेशन, यस, बिकॉज अगर मैं मेडिकेशन नहीं लूँ तो आई स्टिल गेट एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक। नो, आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स लाइक सुसाइडल थॉट्स और समथिंग, बट आई स्टिल गेट एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, जब स्ट्रेस हो जाता है या मुझे किसी चीज़ से डर लगता है। सो द ओनली थिंग, ओनली फियर दैट आई गेट इज आई एम गोना डाई। का जब भी दौर चल रहा था बॉलीवुड में, तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तभी मैंने बोले, इफ यू सी माय ट्वीट्स, तब मैंने कुछ ट्वीट्स विद डेट्स रिट्रीव किया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें उस टाइम भी मैंने बोला है, और लेकिन मेरे मैनेजर और मेरे फैमिली ने मुझे फोर्सफुली वो ट्वीट्स वगैरह डिलीट करवाया है। क्योंकि दे वर स्केर्ड एंड दे डिडंट वांट मी टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी और एनी काइंड ऑफ लाइक वॉट एवर इज़ हैपनिंग टूडे, फैमिली रेपुटेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो दे डिडंट वांट मी टू गेट इनटू दैट, तो मैंने वो सब चैट भी शेयर कर दिया। पायल घोष ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। अनुराग कश्यप के साथ जो जांच हुई है, 8 घंटे की पूछताछ हुई, उस पर भी पायल ने कहा है, पायल बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनका यही कहना है कि उनके पास वो सारे सबूत हैं जो ये बात साबित कर देंगे कि अनुराग कश्यप जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और उनके साथ सच है, और वो सच के साथ आगे बढ़कर अपने आप को साबित करके ज़रूर दिखाएंगी। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।